संकट दूर करो, दूर करो, दूर करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेयजल संकट दूर करो, दूर करो, दूर करो। पेयजल संकट दूर करो, दूर करो। पेयजल संकट दूर करो, दूर करो, दूर करो। खाली मटकों में पानी दो, पानी दो, पानी दो। खाली मटकों में पानी दो, पानी दो। पेयजल संकट दूर करो, दूर करो, दूर करो। ग्रीष्म गर्मी के इस तपते महीने में प्रदेश के 14 जिले रेड जोन में पहुंच गए, जिसके चलते भूजल स्तर काफी नीचे चला गया। इन 14 जिलों में रेवाड़ी जिले के न केवल ग्रामीण अंचल बल्कि शहर में रहने वाले लोग भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। यह वही जिला रेवाड़ी है जहां कभी लोगों को सुबह और शाम दो वक्त पेयजल उपलब्ध होता था, लेकिन अब दो दिन में एक ही आधे घंटे के लिए पेयजल आपूर्ति होती है, क्योंकि पिछले 22 दिन से रेवाड़ी की मुख्य नहर में एक बूंद पानी भी नहीं आया, जिसने लोगों की समस्या को बढ़ा दिया। इसी समस्या को लेकर सामाजिक संस्था ने मुख्यमंत्री के नाम CTM को ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में लोगों ने कहा कि रेवाड़ी में पहले दो वक्त पेयजल सप्लाई होती थी, लेकिन अब दो दिन में एक ही बार सिर्फ आधे घंटे के लिए, और उसका भी कोई समय नहीं, जिस कारण इन्हें दूरदराज इलाकों में लगे हैंडपंपों से पानी लाना पड़ता है, जो कि काफ़ी कष्टदायक है। इनकी अपील है कि कम से कम इतना पानी तो मिले कि गुजारा हो सके। वहीं दूसरी ओर SDM रेवाड़ी ने भी माना कि पिछले काफ़ी दिनों से नहर में पानी नहीं आया, जो इनके संज्ञान में है। इस मुद्दे पर अधिकारी लगातार प्रयासरत है ताकि लोगों को समय से पहले पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह पानी की बर्बादी ना करें। अब देखना यह होगा कि प्रदेश में SYL का पानी लाने का दावा करने वाली सरकार और स्थानीय प्रशासन कब तक लोगों को पेयजल उपलब्ध करवा पाता है। साहब, ये अभी खाली मटका यहाँ लेके पहुँचे सिटी वाले ने ज्ञापन भी दिया, क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है खासतौर पर शहर के अंदर जो पेयजल की सप्लाई है वो ना के बराबर है। ऑफिशियली वो कहते हैं एक दिन रुक कर एक दिन पानी दिया जाएगा, परंतु दो दो दिन तक नल नहीं आते, और जो भी नल आते हैं वो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट आते हैं। और शहर के अंदर बहुत सारे मोहल्लों और वार्ड्स में खारा पानी है, कड़वा पानी है, यहाँ तक कि कपड़े तक भी साफ़ नहीं होते, बर्तन साफ़ नहीं होते, पीने की बात तो दूर। आज ये खाली मटका महिलाओं के हाथ में है, ये इस बात का प्रतीक है कि मटके पानी से खाली है। जो सरकार पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं विकास की, जो न्यूनतम मौलिक मूलभूत जो जरूरत है पेयजल पानी पीने के लिए चाहिए एक नागरिक को, वो भी आज रेवाड़ी में उपलब्ध नहीं है। हमें सांकेतिक प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, उपायुक्त महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, अगर ये 7 दिन के अंदर इसका समाधान नहीं किया गया तो यहाँ महिलाएँ मटका लेकर के आएंगी और मटका से अपील करेगी प्रशासन से, मटकों में पानी डालो तब हम घर में जाएंगे, हम यहाँ बैठे रहेंगे। पक्ष हो या विपक्ष हो, हमेशा दावा करता रहा SYL का पानी लाने के लिए, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा के 14 ऐसे ज़िले हैं जो रेड जोन में जा चुके हैं, पानी काफ़ी निचले स्तर तक जा चुका है, भूजल नीचे जा चुका है, लेकिन सरकार का क्या प्रयास चल रहा है, क्या कहेंगे? SYL जो मुद्दा है ये सरकारों के लिए वोट बैंक तक सीमित हो गया है। ये केवल मात्र जब जरूरत होती है इसके मुद्दे को उछाला जाता है, सरकारों की नीयत नहीं है। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस रही, पंजाब में कांग्रेस रही, सेंटर में कांग्रेस रही, हरियाणा में BJP रही, पंजाब में BJP अकाली दल रहा और सेंटर में बैठे रहे, परंतु इन्होंने भी SYL को कभी भी समाधान नहीं चाहा। ये एक झुंझुना है, जरूरत पड़े जो लोगों को बीच में दे दिया जाए और उसके नाम से वोट बटोर ली जाए। हमारे जनप्रतिनिधि जो मुदत से शासन में है, शासन में बैठे हुए हैं, मंत्री रहे हैं, उनकी भी कोई नीयत नहीं है, इसलिए हमारा इलाका ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। और पेयजल से भी हम, खेती बाड़ी की बात तो दूर, पीने के पानी से भी हमको मुहैया नहीं है, इससे श्रम की बात और क्या होगी प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। एक नारी की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है जल। यस सर, जल के बिना कोई काम नहीं हो सकता, क्या कहेंगे कि आज खाली मटका? सर, आज हम इसी बात को लेकर परेशान होकर यहाँ तक आए हैं, अपने घरों से निकल के आए हैं, देख रहे हो आप हमारे पास खाली मटका है, घर में बिल्कुल भी जल की सप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ तक कि बच्चों को, छोटे बच्चों का गर्मी के टाइम में पानी पीना, उनको नहराना धुहाना, यहाँ तक भी पानी का पर्याप्त नहीं। जो पानी है हमारे समरसेबल का वो इतना खारा पानी है कि हम उसको यूज करते हैं तो हमारी स्किन प्रॉब्लम हो रही है, आइज प्रॉब्लम हो रही है और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इसलिए हम सरकार से आज ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी मांग को सुने और जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें। लेकिन पानी दो दिन में एक बार आ रहा है, आधा घंटा पानी आता है, नहर 18 को आनी थी और आज लगभग 22-23 तारीख हो चुकी है और अभी तक नहर नहीं आई और शहर परेशान है,
देखिए, नहर वाली बात हमारे संज्ञान में है और सीनियर लेवल पे इस बारे में कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। जल्दी इस समस्या का भी समाधान होगा और डेली पानी मिलेगा। सर, जब पानी आता है तो लोग पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी करते हैं, कई जगह पे टूटियाँ नहीं है और पानी वेस्टेज होता है, और ऐसे में क्योंकि जल है तो कल क्या अपील करेंगे? देखिए, हम यही अपील करेंगे कि लोग पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएँ। और गर्मी में कई लोग देखा जाता है कि गाड़ी भी पानी से धो रहे हैं, तो ऐसे समय पर ना धोएँ और टूटियों को खुला ना छोड़ें और जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करें ताकि पानी की बर्बादी से रोका जा सके। क्या समस्या है पानी की? पानी की यहाँ पे 2-3 दिन में पानी आता है, और वो भी ऐसे नहीं आता, बहुत कम आता है पानी। हमारे नलों में तो पानी आता ही नहीं है, मोटर से भी बहुत देर बाद पानी खींचता है और पानी ऐसे ही आता। पानी आता तो लाइट नहीं होती, और गर्मी में बहुत परेशानी हो रही है हमारे लिए, तो पानी की ज़्यादा समस्या है। समस्या है ना, यहाँ पानी टाइम पे आता, कभी 4 बजे देता है, कभी 3 बजे देता है, उस टाइम अगर लाइट चल जाती वो भी नहीं मिलता पानी, तो पानी कहाँ हम भर पाते हैं। हमें तो ये समझ लो पानी ना बराबर ही है यहाँ पे, क्यों एक लाइन का कनेक्शन है उसमें पानी एक टाइम आता है, तीसरे दिन पानी आता है, उस टाइम लाइट नहीं होती। तो गर्मी के समय में कैसे गुजारा होता है? डोलते हैं पानी तो बाहर से लाते हैं, हैंडपम्पों पे से वहाँ से भर भर के लाते पानी, किसी ने एक आधो ने समरसीबल लगा रखा, बर्मा लगा रखा, उन पे से ढोते हैं पानी। पानी के बिना अब बताओ जो बुजुर्ग आदमी वो कहाँ से भरेगा पानी? अपनी चरम सीमा पर है जी। और पानी की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? पानी की स्थिति मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी ख़राब है कि मेरे वार्ड से रोज़, और ये वार्ड की समस्या नहीं, ये पूरी रेवाड़ी की समस्या है, पानी 2-2 दिन छोड़ के पानी यहाँ पर दिया जा रहा है। वो भी क्या है कि जिनका ऊंचाई पे इलाका है उनकी पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है, और जब प्रशासन से बात करी जाती है पानी के बारे में तो आप ये देखिए उनका यही कहना है कि जी गर्मी के कोई उनका पूरा इंतजाम नहीं है पानी का लोग बागों को देने के लिए, और सरकार द्वारा जो कॉलोनी अप्रूव्ड तो कर दी जाती हैं उनमें पानी की भी वो पूरी करी जाती है, पूर्ति सीवर का भी, और बाकी वही पानी जब इलाका बढ़ता जाएगा और पानी उतना ही रहेगा तो समस्या तो बनी रहेगी। तो मेरा प्रशासन से भी आग्रह है कि पानी को पूर्ति पूरी तरीके से करी जाए और ज़्यादातर स्लम बस्तियों में करी जाए। जो पैसे वाले लोग हैं वो तो टैंकर भी मंगा लेते हैं, गरीब आदमी का तो जी मरना हो जाता है, वो कहाँ से अपनी पानी की पूर्ति करे। 18 तारीख को नहर आ रही थी जिससे पानी की सप्लाई होती है, लेकिन आज 4-5 दिन ऊपर हो चुके और नहर अभी तक नहीं आई। तो हमें यही तो कह रहा हूँ कि हमें तो विश्वास ही नहीं प्रशासन के कामों पर, क्योंकि वादे क्या करती है न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, और आज भी आपने सर्वे करा होगा तो पानी की वही स्थिति है। और टाइम ये करा जाता है कि लोग बाग बेचारे रहते नहीं रहे, टाइम दोपहर को पानी दिया जाता है, तो एक टाइम भी फिक्स करना चाहिए कि भाई इस टाइम आपका पानी आएगा, तो लोग बाग अपना दिमाग बनाकर बैठे रहें कि पानी भरना। प्रवीण जी, आप वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं, आपके निवासी यहाँ से कह रहे हैं कि टाइम टेबल ही नहीं है पानी का कोई। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैंने भी कहा है टाइम टेबल को लेकर, पर जो उनके उच्च पानी के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जी हमें कभी लाइट नहीं है, कभी मोटर खराब है, तो उनके 10 मायने रहते हैं। और हम इस बारे में परसों हम जाके एक्शन साहब से अपने जो प्रतिनिधि हैं वार्ड के पास साथ, वो पानी के मामले में हम डेली मिल रहे हैं, और एक्शन साहब ने हमको परसों बुलाया, इस बारे में हम परसों उनसे मुलाकात करें।